हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आशा शर्मा आज वीडियो में आपको क्लास सेवेंथ का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है एड्रिफ्ट एट सी, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर बताने वाली हूँ। आज इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको इस चैनल पर आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द चैप्टर 9 क्लास 7। हु इज रिचर्ड पार्कर? रिचर्ड पार्कर कौन है? द आंसर इज हियर। रिचर्ड पार्कर इज द नेम ऑफ द बंगाल टाइगर हु सर्वाइव्स द शिपरक अलॉन्ग विद द नैरेटर। तो जो रिचर्ड पार्कर है वो एक बंगाल टाइगर का नाम है जो कि सर्वाइव करता है एक उसका शिप रैक अलॉन्ग विद द नैरेटर। किसके साथ? एक नैरेटर जो इस स्टोरी का नैरेटर है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज द नैरेटर रिमेंबर हिज फैमिली मेंबर्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द क्राइसिस? मतलब जब उसके ऊपर परेशानी आती है नैरेटर के ऊपर, तो वो उस वक्त अपनी फैमिली मेंबर्स को क्यों रिमेंबर करता है? आंसर इज ओके। सो स्टार्ट, द नैरेटर ग्रेव्स फॉर हिज फैमिली मेंबर्स एज ही रियलाइज दैट दे डिड नॉट सर्व अनलाइक हिम सॉरी दे डिड नॉट सर्वाइव अनलाइक हिम ही रिमेंबर्स हिज मदर एज हिज गार्जियन एंजल हिज फादर as a very avowed and his brother as a hero which is what he thought of them। तो मतलब ये सारी चीज़ अपने मदर फादर और अपने ब्रदर के लिए को याद करता है जब वो परेशानी में घिरा होता है। कैसे? क्योंकि वो एक शिप के अंदर है, एक बोट के अंदर है, और उस बोट में उसका जो कंपेनियन है दैट इज़ द रिचर्ड पार्कर जो कि एक बंगाल टाइगर है। और नैरेटर को लग रहा है कि कहीं ये मुझ पे अटैक ना कर दे, क्योंकि नैरेटर ही उसको सेव करता है, उसे ट्रबल से बाहर निकालता है। और क्योंकि वो जो टाइगर है अब नैरेटर के साथ उस बोट में बैठा हुआ है, लेकिन नैरेटर को भी ये डर लग रहा है कि कहीं ये मुझ पे अटैक ना कर दे, तो वो उस वक्त बहुत वरी होता है। क्वेश्चन नंबर 3, इज द नैरेटर वाउंडेड ड्यूरिंग द क्राइसिस? द आंसर, द नैरेटर वॉज नॉट physically wounded in any way, however he did suffer emotional pain and was suffering a great deal from the pain of losing his family member। तो उस वक्त वो wounded मतलब उस वक्त क्या घायल, मतलब physically ऐसा कुछ नहीं था कि उसे वो physically disturb हुआ था या उसके ऊपर कोई physically attack किया था tiger ने, but वो emotionally थोड़ा सा disturb था, उसको डर लग रहा था कि कहीं मेरे ऊपर attack ना करती, तो ये सब चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी जिस वजह से वो परेशान था और उस टाइम में वो अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा था, बट फिजिकली वे में उसके ऊपर किसी भी तरह का अटैक नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब रिचर्ड पार्कर्स रिएक्शन ऑन सीइंग द लाइफ बॉय। मतलब जब रिचर्ड पार्कर उस बंगाल टाइगर ने लाइफ बॉय को देखा तब उसका रिएक्शन कैसा था? रिचर्ड पार्कर जो कि एक बंगाल टाइगर है वो एक सी में मतलब डूब रहा था, तो उसको लगा आज मेरी लाइफ का एंड है, लेकिन तभी उसको एक लाइफ बॉय दिखाई देती है और उसको देखकर उसको लगता है कि अब क्या मैं बच पाऊँगा। और उस लाइफ बॉय में कौन था? एक नैरेटर था जो उसको सेव करता है। लेकिन जब तक नैरेटर रिचर्ड पार्कर के साथ उस बोट को शेयर करता है तब तक उसके मन में बहुत डर रहता है ये सब सोच कर कि कहीं ये मुझ पर अटैक ना कर दे, और ये तो टाइगर है, ये एनिमल हम लोगों पर अटैक करते हैं, तो कहीं ये मुझे अटैक ना कर दे, और बल्कि इसको ये सोचना चाहिए कि मैंने इसकी लाइफ को सेव किया है, मैंने इसे डूबने से बचाया है। तो उसके कुछ इमोशनली डिस्टर्ब रहता है वो, और यहाँ पे बताना है कि रिचर्ड पार्कर ने कैसे रिएक्शन दिया जब उसने उस लाइफ बॉय को देखा। रिचर्ड पार्कर द टाइगर हैड गिवन अप एनी होप ऑफ सर्वाइविंग द सी व्हेन ही रियलाइज ही कुड नॉट स्विम एनी मोर। मतलब पहले तो रिचर्ड पार्कर ने बिल्कुल ही उम्मीद छोड़ दी थी कि अब मैं बच पाऊंगा, क्योंकि वो स्विम करते करते थक चुका था और अब वो और स्विम नहीं कर सकता था।
However, the sight of the live boy in the water instilled new found hope within him. लेकिन जैसे उसने उस लाइव बॉय को देखा वाटर के अंदर, तो उसके अंदर थोड़ी सी एक उम्मीद जगी, कैसे कि अब शायद मैं बच सकता हूँ. He resumed his attempts to reach the boat with more energy. और उसने उस बोट के पास तक पहुँचने के लिए और एनर्जी प्रेजेंट की, मतलब और ताकत लगाई ताकि वो उस बोट तक पहुँच जाए, क्योंकि बोट पर पहुँचने के बाद वो सेव हो सकता था. Question number 5 and the last question of this chapter. What does the narrator choose to do in the end? मतलब narrator ने क्या choose किया था last time में. The narrator realized his foolishness on helping a wild animal such as a tiger come aboard his lifeboat. And the moment that happens, the narrator himself, in an attempt to save himself, jumps off all the boat onto the live boy in the sea. So that was just a foolishness thing by the narrator, but exactly ऐसा कुछ नहीं हुआ था. टाइगर ने नैरेटर पे कोई अटैक नहीं किया था. तो इस तरह के थॉट्स थे जो उसके मन में आ रहे थे, लेकिन बाद में उसे ये सब रियलाइज हो गया और इस तरह से ये इसकी एंडिंग होती है इस स्टोरी की. तो ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है. अगर आपने ये स्टोरी नहीं देखी है तो आपको इस चैप्टर की स्टोरी भी मिल जाएगी मेरे चैनल पर, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं. बट फिलहाल अभी हमने यहाँ क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए हैं. तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल कम द अदर क्लास चैप्टर क्वेश्चन आंसर डिस्कशन. So this time, thank you so much for watching this video and have a good day to all of you. Radhe Radhe, aap sabhi ko.